अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। कुछ रूल उसको, कुछ लोग उसको EAN रूल भी कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। दूसरे अल्फाज में इसको हम सिगविक रूल का नाम देते हैं। सिगविक ने पेश किया था, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सिगविक रूल। तो देखें, उसकी थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन ही समझ लें, लिखी हुई है। द सेंट्रल मेटल आयन इन ऑर्डर टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन फ्रॉम फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद द लिगेंड्स। यानी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो देखिए 6 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर किसी को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिगेंड्स वगैरह की समझ नहीं आ रही, तो कोऑर्डिनेशन के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? देखें, 6 लिगेंड है, तो जाहिर सी बात है, हर लिगेंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, तो 6 2 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, एक क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहा है कोबाल्ट की तरफ। तो इतने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत क्यों है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन वो क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है लिगेंड से? तो इसकी रीज़न ये है कि वो ये जो सेंट्रल एटम है, मेटल एटम है, वो सिगविक रूल के मुताबिक नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन जो है वो गेन करना चाहता है। इसकी कोशिश में जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है, या सेंट्रल मेटल आयन कंसीडर कर लें, वो जो है इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कहता है हमें सिगविक रूल। अब थोड़ा सा उसका एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, असल में ये रूल क्या कहता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप लोग कह सकते हैं हेक्साअमाइन, चूँकि 6 अमीन है। मैं नामक्लेचर दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसका नाम है हेक्साअमीन, हेक्साअमीन, और ये आप लोगों के पास कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3 है उसके ऊपर, तो बाकी जो है उसके साथ क्या अटैच है, क्लोराइड। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो इसकी भी एक अलग वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट टोटल न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कोबाल्ट को देखें, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज किया हुआ है -3 ने, चूंकि हमारे पास जो अमाइन है, अमोनिया है, वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर टोटल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, यहाँ पर -3 चार्ज है हर क्लोरीन के ऊपर, -1, तो -3 चार्ज हुआ, तो -3 को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? जाहिर सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना बनता है? +3 बनता है, क्योंकि चूंकि सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है। अब देखें, यहाँ पर कोबाल्ट जो है उसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके ऊपर एक तरफ से अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ से, यानी हर अमोनिया मॉलिक्यूल दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो आप लोग देखें, ये जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, ये कोबाल्ट है, इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्लोरीन जो है वो इसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोरीन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा सेंट्रल मेटल एटम को, जो डोनेट कर रहा है वो कौन है? NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। 6 NH3 है, तो हर NH3 जो है वो हमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एंटिटी के अंदर इनक्लोज स्पीशीज हैं, वही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्लोरीन जो है, अगर ये 3 क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको मैं आगे देख आगे जब मैं कोऑर्डिनेशन के अंदर आगे जाऊँगा, तो ये जो, इसको मैं प्राइमरी वैलेंसी कहूँगा, इसको मैं सेकेंडरी वैलेंसी कहूँगा, तो ये इंशाल्लाह वर्नर थ्योरी में आएगी ये टॉपिक। तो असल में इस पूरे के पूरे टॉपिक का मकसद ये है, देखिए, कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए कोबाल्ट के साथ? 27। इसके ऊपर +3 चार्ज है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को मैं 27 से माइनस करूंगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन उसने किसको दिए हैं? क्लोरीन को दिए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हुए हैं। तो 27 - 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं? 24। अब देखिए, कोबाल्ट +3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24। अब 24 यानी कोबाल्ट +3 के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल कोबाल्ट +3 के पास कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो 24 है। अब 6 अमोनिया उसके साथ अटैच हैं, देखिए 6 अमोनिया अटैच हैं,
छह अमोनिया, हर अमोनिया मॉलिक्यूल उसको दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 × 2 = 12, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6 × 2 = 12, 12, 12 + 24 दैट वुड बी इक्वल टू 36। तो 36 को अब एक साइड में मैंने लिखा है, इट इज द इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन जो है वो क्या है, 36। यानी 36 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रिप्टॉन के पास है। 36 पे अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो 36 पे आपको एक नोबल गैस मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टॉन बोलते हैं। तो क्रिप्टॉन की कन्फिगुरेशन अटेंड करने के लिए, अब मेरी बात गौर से सुना आप लोग, क्रिप्टॉन की कन्फिगुरेशन गेन करने के लिए कोबाल्ट ने 12 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया 6 अमोनिया लिगेंड से। यानी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस की वजह ये बनी कि कोबाल्ट ये चाहता था कि मेरे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो, 36 इलेक्ट्रॉन हो, एज जो किसके पास है, क्रिप्टॉन के पास है। ये सारा का सारा खेल समझा रहा था हमें सिग्विक रूल। लेकिन मैं अभी से बता दूं, सिग्विक रूल जो है वो हर कॉम्प्लेक्स पे वैलिड नहीं है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस रूल को वैलिड यानी एक किस्म का फॉलो कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इस रूल को जो है वायलेट कर रहे हैं। तो ये रोल इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।